कोरोना के कारण आप सिक्स में तो आए थे, लेकिन आपकी स्कूल नहीं खुली है कोरोना के कारण। दिसंबर 2020 चला जा रहा है, जनवरी फरवरी के अंदर 2021 में स्कूल खुलने के आसार है। तो सरकार ने कोर्स आपका कम कर दिया कक्षा 6 के लिए। आपको यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो बताएंगे, लैंग्वेज के बारे में आपके 48% कोर्स जो कम किया गया वो बताएंगे। यहाँ पर आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का बताएंगे कोर्स की आपके 48% कौन सा कोर्स कम किया है, और आपके जो 52% कोर्स कौन सा पढ़ना है वो बताएंगे। कक्षा 6 के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट बन रहे हैं विज्ञान, गणित और सामाजिक, वो भी हमारे चैनल पर बताए हुए हैं, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट से अध्ययन करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सारी की सारी आप वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा हम आपको बता देते हैं कक्षा 1 से लगाकर 12 तक कोरोना के कारण जो भी कोर्स कम किया गया वो भी बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर आप देख सकते हो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षा प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र आपके 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया है पाठ्यक्रम। कक्षा 6 आपकी हिंदी, यहाँ पर पहले सबसे पहले बताएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आप स्क्रीन पेज संख्या 1 देख सकते हो। इसी तरह से स्क्रीन पेज संख्या आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और आपके क्रमवाइज जो कोर्स आपके कम किया है वो हम आपको बताएंगे, कौन सा पार्ट रखा है कौन सा नहीं रखा है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 2 पर। लीजिए आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 2 है, कक्षा 6 हिंदी आपका 48% कोर्स कम किया गया। क्रम संख्या यहाँ पर 5 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट का नाम दिया हुआ है, रखा गया घटाया गया वो भी बताया हुआ है। प्रस्तावित कालांश आपके जो पीरियड स्कूल में लगेंगे कितने पीरियड में पढ़ा जा सकता है, और अंक बार यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा लेसन कितने नंबर का है। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट है वह चिड़िया जो कविता है वो आपके पढ़नी है, और ये आपके 14 कालांश में पढ़ी जाएगी, और आपके इसके 10 नंबर है। और उसके बाद में दूसरा बचपन संस्मरण, ये आपके 16 कालांश में पढ़े जाएंगे, और आपके अंक बार ये 12 नंबर का है। और उसके बाद में तीसरा पार्ट है नादान दोस्त, ये आपके 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है। तो पहला पार्ट आपके कोर्स में है, दूसरा है और तीसरा है। चौथा आपके हटा दिया चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये कविता आपके हटा दी है, आपको नहीं पढ़नी है। चौथा आपके अपनी बुक में डिलीट कर दो, उसको क्रॉस मार दो और बुक खोल करके, और पांचवा राइट लगा दो, अक्षरों का महत्व निबंध आपके कोर्स में है, 16 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 5 पार्ट है उसमें से चौथा हटाया है, बाकी पहला दूसरा तीसरा और पांचवा आपके कोर्स में है। चलते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ आपके पेज नंबर स्क्रीन पेज संख्या 3 आपके सामने है। यहाँ पर आपके 6 कक्षा के हिंदी का 48% कोर्स कम किया गया, उसमें से कौन कौन से पार्ट हटाए हैं। 6 पार्ट से 10 तक चर्चा करते हैं। 6 पार्ट पार नजर के कहानी है, ये 18 कालांश में पढ़ी जाएगी और 12 अंक का है। तो ये आपके कोर्स में है, इसको अपनी बुक के अंदर राइट लगा दो। और उसके बाद में 7वां पार्ट है साथी हाथ बढ़ाना गीत है, ये आपके हटा दिया, अब कोई साथी हाथ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कोरोना हो जाएगा। अब देखिए ये हटा दिया 7वां। और 8वां देखिए ऐसे ऐसे एकांकी है, ये आपके कोर्स में है, 18 कालांश में 18 पीरियड में पढ़ी जाएगी, और उसके बाद में 12 नंबर के आपके इसके कर दिए हैं। दूसरे पार्ट जो हटा दिए उसके नंबर हटा करके यहाँ ज्यादा कर दिए, यानी जो पार्ट आपके कोर्स में है वो आपके ज्यादा नंबर का है। 9वां आपके टिकट एल्बम कहानी, ये हटा दिया, नहीं पढ़ना है। 10वां झांसी की रानी कविता हटा दी, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ से केवल आपको 6वां 8वां टिक लगाना है, राइट लगाना है, वो आपको पढ़ना है। 7वां 9वां 10वां नहीं पढ़ना है। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 11 से 17 पार्ट जो भी बाकी के बचे हुए हिंदी के सारे यहाँ पर चर्चा करते हैं। 11वां पार्ट है जो देख कर भी नहीं देखते निबंध है, आपके 14 कालांश में पढ़े जाएंगे और 10 नंबर का है, ये आपको पढ़ना है, इसको राइट लगा दो अपनी बुक के अंदर। और 12वां जो संसार पुस्तक है पत्र है, ये भी आपके कोर्स में है, ये 16 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है, ये भी राइट लगा दो। 13वां मैं सबसे छोटी हूँ कविता है, ये आपके 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है, ये 13वां पार्ट भी राइट लगा दो। 14वां लोकगीत निबंध है हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 15वां नौकर निबंध है हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 16वां आपके वन के मार्ग में कविता, ये हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 17वां आपके सांस सांस में बांस निबंध है, इसको हटा दिया, इसको भी क्रॉस लगा दो। इस तरह से हमारे चैनल पर आपको हम पहले से बता देते हैं कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, सारे पार्ट प्रश्नोत्तर सहित, और कक्षा 1 से 12 तक जो कोर्स हटाया कोरोना के कारण वो पूरा का पूरा समझाया है। ये आपके हिंदी पूरा हो गया। अब आपके सामने इंग्लिश है,
जी हाँ, आपको इस वीडियो के अंदर लैंग्वेज बताई जा रही है। हिंदी आपको बता दी, इंग्लिश यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद में आपको संस्कृत और उर्दू बताएंगे। तो कक्षा 6 विषय आपका इंग्लिश है, 48% कम कोर्स किया गया। आपके पेज नंबर स्क्रीन यहाँ पर 5 है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, शैक्षणिक सत्र आपका 2020-21 के लिए संक्षिप्तीकृत यानी शॉर्टकट किया गया, रिमोट किया गया, रिवाइज किया गया। कोर्स पाठ्यक्रम आपको कक्षा 6 के लिए विषय सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ऑनी सकल आपके जो है उसके अंदर से आपको बताएंगे। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 6 पर। ये आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 6 है। यहाँ पर आपके 5 पार्ट बताए हुए हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है, स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस का मतलब अगर पार्ट कोर्स में है या नहीं है वो चीज बताइए। एलोकेटेड पीरियड्स दिए हुए, एलोकेटेड मार्क्स दिए हुए यहाँ पर। तो सीरियल नंबर में नंबर 1 है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यस ये आपको पढ़ना है। ये आपके कोर्स में 18 पीरियड में पढ़ा जाएगा, 14 मार्क्स इसके हैं। और जो पोएम है वो ए हाउस ए होम, यस ये भी पढ़नी है आपको, 2 पीरियड में पढ़ा जा सकता है और 2 नंबर का है। और तो पहला पार्ट आपके कोर्स में है। दूसरा देख लीजिए, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यस ये आपको पढ़ना है, 21 कालांश में पढ़ा जाएगा, 17 नंबर का ये पार्ट है। पोएम इसकी है द काइट, यस ये भी पढ़नी है, 2 पीरियड में पढ़ी जाएगी और 2 अंक की है। उसके बाद में तीसरा लेसन है टारोज रिवार्ड, ये आपके रिमूव कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। पोएम आपका द क्वाड्रल रिमूव कर दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा पार्ट पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, वो आपको नहीं पढ़ना, आपके कोर्स में नहीं है। चौथा है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, यस ये आपको पढ़ना है, 19 कालांश में पढ़ा जाएगा और 15 नंबर का है। पोएम आपका है ब्यूटी, ये भी आपको पढ़नी है, यस आपके कोर्स में है और ये आपके 4 कालांश में पढ़ी जाएगी, 2 नंबर की है। पांचवा आपके आधा यहाँ पर दिया हुआ है, आधा अगले पेज में देखते हैं। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जी हाँ सबसे टॉप पर आप ऊपर देख सकते हो, 5वां है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये आपके कोर्स में है, 24 कालांश में पढ़ा जाएगा, 16 नंबर का है। और 5वें की जो पोएम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यस ये आपको पढ़ना है, 4 कालांश में पढ़ा जाएगा, 2 नंबर का है। 5वां आपको राइट लगाना है अपनी बुक के अंदर जो आपके कोर्स में है। 6ठा हु आई एम, पता नहीं कौन है, ये आपने रिमूव कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स, कितना भी वंडरफुल हो आपको रिमूव कर दिया, इसको पढ़ने नहीं है। 6ठा पार्ट पूरा डिलीट कर दो, इसको आपको कोर्स में नहीं रखा है, ये आप नहीं पढ़ना है। 7वां पार्ट है फेयर प्ले, यस ये आपको पढ़ना है, 24 कालांश में पढ़ा जाएगा और 15 अंक निर्धारित है। 7वें में कोई पोएम नहीं है। 8वां देखिए ए गेम ऑफ चैंस, ठीक है ना, ये आपके रिमूव कर दिया, 8वां आपको नहीं पढ़ना है। पोएम है आपकी वोकेशन आपके कम हो गए हैं, रिमूव कर दिए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी 8वें पार्ट को आपको डिलीट कर देना है, ये आपके कोर्स में नहीं है। 9वां देखिए डेजर्ट एनिमल्स, यस ये आपको पढ़ना है और ये 18 कालांश में पढ़ा जाएगा, 13 अंक का है। पोएम आपकी व्हाट इफ, यस ये आपको पढ़ना है, 6 कालांश में पढ़ी जाएगी और 2 अंक की है। 10वां आप देख सकते हो द हनुमान ट्री, ठीक है ना, बनवन ट्री, ये आपके रिमूव कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है 10वां। इसी के साथ में आपके इंग्लिश का हमने पूरा बता दिया, 48% जो कोर्स कम किया गया था वो आपको डिलीट कर देना है, मतलब अपने बुक में शुरुआत में जो पार्ट लिखे हैं वहां पर क्रॉस लगा देना है और जो पढ़ने हैं उसको राइट लगा देना है। हिंदी और इंग्लिश का हम बता चुके हैं, अब आपको संस्कृत का बताते हैं। जी हाँ, थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत और उर्दू कोई भी हो सकती है, उर्दू का इसके बाद में बताएंगे। यहाँ पर आपको संस्कृत का पाठ्यक्रम बताया जा रहा है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम, विषय आपका संस्कृत, रुचिरा प्रथमो भाग है, कक्षा आपकी 6 है। जी हाँ, हम आपको याद दिला दें, कक्षा 6 के 15 पाठ है संस्कृत के, 15 के 15 हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है के शिक्षा गुरु संस्कृत, यानी संस्कृत को समर्पित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पूरे सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं। तो हमारे चैनल पर कक्षा 6 की संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, व्याकरण भी पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, आपके जो कक्षा है उसका आप लिंक दबाएंगे तो सारे पाठ आपके सामने होंगे, उसमें से जो जो पाठ आपके कोर्स में है वो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत का वीडियो। यहाँ पर आपके स्क्रीन पेज संख्या 9 से संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। क्रम संख्या आपके दिए हुए, पाठ विषय वस्तु भी दी हुई है, विधा आपके यहाँ पर दी हुई है, सत्र 2020-21 में रखा गया और हटाया गया, कोर्स यहाँ पर बताया जाएगा और प्रस्तावित कालांश कितने हैं, कितने पीरियड लगेंगे और अंक बाहर कितने हैं वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहला पाठ है शब्द परिचय फर्स्ट, ये आपके पुल्लिंग शब्द है,
पुलिंग शब्द है ये आपके रखा गया है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 13 नंबर इसके निर्धारित किए हुए हैं। दूसरा आपके पार्ट है शब्द परिचय, सेकंड इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्द है और ये आपके रखा गया है कोर्स में, इसको राइट लगा दीजिए। 18 कालांश इसमें लेंगे और 13 नंबर निर्धारित किए हुए हैं। तीसरा पार्ट है आपके शब्द परिचय, थर्ड इसके अंदर नपुंसकलिंग शब्द पढ़ाए हुए हैं, ये आपके रखा गया है। तीनों के तीनों हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, एक एक बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के और कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक ढूंढ करके उसके क्लिक करके सारे के सारे पार्ट पढ़ सकते हैं। 18 कालांश निर्धारित है और 12 नंबर का है। चौथा पार्ट आपके विद्यालय है, ये निबंध है और ये आपके 17 कालांश में पढ़ा जाएगा और 11 नंबर का है। पांचवा पार्ट है वृक्षा, ये आपके पद्य है, ये हटा दिया। पद्य कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं आप अपने मर्जी से, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, बाकी आपके कोर्स से हटा दिया है क्योंकि कोरोना के कारण वैसे ही टाइम काफी वेस्ट हो गया था। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 10 है, विषय आपका संस्कृत, 48% हटाया गया कोर्स, हम आपको बता रहे हैं। छठे से दसवें पार्ट तक यहाँ पर चर्चा करेंगे। छठा पार्ट समुद्र तट है, निबंध है, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है लेकिन हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सातवां आपके बकस्य प्रतिकार कथा है, ये आपके 17 कालांश में पढ़ी जाएगी और 12 नंबर का है, ये आपको पढ़ना है। सातवां आपको राइट लगाना पढ़ना है और हमारे चैनल से ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुआ है, प्रश्नोत्तर भी पढ़ाए हुए हैं। आठवां आपके सुक्ति स्तबक है, पद्य है, ये 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 13 नंबर का है, ये आपके राइट लगाना है, ये आपको आठवां पढ़ना है, ये हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। नौवां आपके क्रीड़ा स्पर्धा संवाद है और इसके अंदर कैसे बातचीत करते हैं संस्कृत में, वो हमारे चैनल पर समझाई हुई है, 19 कालांश में पढ़ा जाता है और 14 नंबर का है। इस तरह से यहाँ पर आपके दसवां कृषि का क्रमवीर पद्य है, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। छठा नहीं पढ़ना है, क्रॉस लगा दो। सातवां राइट लगा दो, आठवां राइट लगा दो, नौवां राइट लगा दो, तीन ही पढ़ने हैं और दसवां आपके क्रॉस लगा दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 11 की ओर। यहाँ पर संस्कृत का अंतिम रूम से आपको बता देते हैं, 11 से लगाकर 15 पार्ट तक, यहाँ पर 11वां पार्ट पुष्पोत्सव है, निबंध है, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। 11वां पार्ट है 10वें त्वयमसि, 10वें तुम हो, ये रोचक कहानी है, बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है, 17 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। 13वां पाठ है विमान यानम रचया में, ये पद्य पाठ है, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। 14वां ए है आहा चे, ये भी रोचक कहानी है लेकिन हटा दिया, हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 15वां मातुल चंद्र पद्य है, ये हटा दिया, ये हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से 11 से 15 तक आपको 4 पाठ हटाए, 4 पाठ नहीं पढ़ने हैं, उनमें से 11वां हटा दिया, 13वां हटा दिया, 14वां हटा दिया, 15वां हटा दिया, ये कोरोना के कारण टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से हटा दिया, 12वां आपको पढ़ना है, इसको राइट लगा दीजिए। अब चलते हैं सीधा अगले सब्जेक्ट उर्दू की ओर। जिसके संस्कृत नहीं लिया हुआ उसके उर्दू लिया हुआ है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी तो सभी के हैं और तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज जिसके संस्कृत नहीं है उसके शायद उर्दू ली हुई है, पंजाबी और गुजराती भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसके उर्दू है उसके लिए यहाँ पर बता देते हैं, जो साइट पर अपलोड किया हुआ वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर संशोधित पाठ्यक्रम है 2020-21 के लिए, कक्षा 6 आपकी विषय उर्दू है, जान पहचान उर्दू का नाम है, पूर्णांक आपके 100 नंबर के, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, उसमें सबसे पहले क्रम संख्या होगी, उसके बाद में सबक का नाम होगा, विषय वस्तु होगी, रखा गया हटाया गया बताएंगे, कालांश आपको पहले बताएंगे, फिर अंक बताएंगे। तो एक एक सबक वाइज हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ स्क्रीन पेज संख्या 13 पर आप पहला सबक देख सकते हो, पहले सबक में ए आ वाला रखा गया है, ये आपको पढ़ना है, 5 कालांश में पढ़ा जाएगा और 13 अंक निर्धारित है। दूसरा सबक है वो रखा गया है, उसके 5 कालांश है और 5 ही नंबर है। तीसरा आपके सबक है वो रखा गया है, उस 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और आपके 3 नंबर निर्धारित है। चौथा सबक रखा गया है वो 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 अंक निर्धारित है। और पांचवा सबक आपके रखा गया वो आपको पढ़ना है अपनी किताब के अंदर है, जो आप राइट लगा सकते हो, और ये 7 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर का है। अब यहाँ पर आप छठे से 9वें सबक तक देखो, छठा सबक आपके रखा गया है, 6 कालांश में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का है, आप राइट लगा दो। सातवां आपके सबक रखा गया है, ये 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का है। आठवां सबक रखा गया है, ये आपको राइट लगाना है, ये आपके 5 कालांश में पढ़ा जाएगा, 2 नंबर का है। नौवां सबक रखा गया है, इसको भी आपको पढ़ना है, 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 2 नंबर का है। अब आपके सामने जो है सबक संख्या 10 से 12 तक है, 10वां सबक रखा गया है, ये 5 कालांश का है और 3 नंबर का है, ये आपके राइट लगा दो, पढ़ना है। 11वां सबक आपके रखा गया है, 5 कालांश का है और 3 नंबर का है, ये भी आपको पढ़ना है।
12वां सबक अग ये रखा गया, ये 5 कालांश का है और 3 नंबर का रखा गया है, यानी अभी तक जितने भी है सारे आपके रखे गए सबक हैं, सारे के सारे पढ़ने हैं और उसके अनुसार ही आपको जो है परीक्षा देनी है। यहाँ पर आप स्क्रीन पेज संख्या 16 पर आप देख सकते हो 13 से लगाकर 17 सबक आपके सामने है। 13वां सबक आपके रखा गया है 7 कालांश का है और 6 नंबर का है, और 14वां आपके जो है सबक रखा गया है ये आपके 6 कालांश का और 3 नंबर का है। 15वां कालांश रखा गया, 15वां पाठ रखा गया है और 16वां सबक भी रखा गया, 17वां सबक भी रखा गया। सबके आप राइट लगा दो क्योंकि ये आपको पढ़ने हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 17 आपके सामने है, यहाँ पर 18वां सबक, 19वां सबक और 20वां सबक है। 18वां सबक आपके रखा गया है, ये आपके 6 कालांश का 5 नंबर का है, आपको पढ़ना है, राइट लगाना है। 19वां सबक रखा गया है 3 कालांश का है और 2 नंबर का है, ये भी आपके पढ़ना है, राइट लगा दो। और 20वां सबक आपके तनवीन है, ये रखा गया है और ये आपको पढ़ना है, ये 4 कालांश में पढ़ा जाएगा और उसके बाद में आपके जो है ये 4 नंबर का है। अब आपके सामने जो है आपके जो 21वां 22वां 23वां सबक आपके सामने, 21वां सबक रखा गया, ये आपको पढ़ना है, ये 3 जो है कालांश में पढ़ा जाएगा, 6 नंबर का है। और उसके बाद में 22वां सबक आपके रखा गया, ये भी आपको पढ़ना है, 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का है। 23वां सबक आपके रखा गया, ये आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का है। इस तरह से हमने अभी तक आपके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू का जो भी सिलेबस रखा गया कोरोना के कारण वो बताया और जो कट गया वो भी बताया है। अब आपको बताते हैं अंतिम रूप से स्क्रीन पेज संख्या 19 पर, यहाँ पर आपके सबक संख्या 24 से 32 तक बात करेंगे। 24वां सबक रखा गया है, 6 कालांश का है, 6 नंबर का, आपको पढ़ना है, राइट लगा दो। 25वां सबक रखा गया है, वो आपको 5 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर का है, यानी 1 से लगाकर 25 तक आपको राइट लगाना है और 26 से लगाकर 32 तक आपको क्रॉस लगाना है। 26वां हटाया गया, 27वां सबक हटाया गया, 28वां सबक हटाया गया, 29वां सबक हटाया गया, 30वां सबक हटाया गया, 31वां सबक हटाया गया और 32वां सबक हटाया गया। जो सबक हटाया गया वो आपको नहीं पढ़ना है और जो रखा है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, उसका भी बताया हुआ है और उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी का बताया हुआ है। सारा का सारा देख करके एनालाइज करें और पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।